कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां की धरती से एक नारा खूब जोर और शोर से गूंज रहा है, जिसने अभी यूपी समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई और अलग पहचान दे दी है। पार्टी के सभी बड़े नेता इस नारे को अपने अपने हिसाब से जनसभाओं में, रैलियों में यूज कर रहे हैं और इस नारे के ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। और नारा अचानक इतना पॉपुलर हो गया है कि इस पर गाना भी बन गया है। नारा जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये नारा दिया किसने है। दरअसल इस नारे के इजाद करने वाले शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जब से योगी ने ये नारा दिया है तभी से ये चर्चाओं में बना हुआ है। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि योगी के इस नारे ने ना सिर्फ हरियाणा में अपना कमाल दिखाया है बल्कि कश्मीर में भी योगी के इस नारे को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया और लोगों ने इस नारे को सुनकर ही बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दिए। अब सूरत हाल ही में ही महाराष्ट्र, झारखंड में हो रहा है विधानसभा चुनाव और यूपी में हो रहे उपचुनावों में भी बचेंगे तो कटेंगे का धमक सुनाई दे रही है। चुनावी रण में उतरे उम्मीदवार जमकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह जगह इसके पोस्टर भी बीजेपी नेता लगवाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में जब यूपी की 9 सीटों पर हो उपचुनाव का प्रचार अपने चरम पर है, इस बीच यूपी सरकार में डिप्टी सीएम और विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चलें कि इंटरव्यू के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है कि विपक्ष बटेंगे तो कटेंगे वाली बात को लेकर को बेवजह तूल पर दे रहा है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा ही नहीं है। डिप्टी सीएम ने ये तक कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको तूल देकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहा है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने ये भी बताया कि बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसे हमारे नेता पीएम मोदी ने दिया है, उस पर पार्टी काम कर रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के इस नारे से इस्तीफा नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके ये कहना है कि पार्टी का नारा नहीं है। ये तो इस बात की ओर ही इशारा कर रहा है कि सीएम वो सीएम योगी के इस नारे से सहमत नहीं है और बटेंगे तो कटेंगे की जगह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ खड़े। खैर जो भी हो, लेकिन ये नारा इस वक्त पूरे देश में बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों को फेवरेट बन गया है। बटेंगे तो कटेंगे, वही समाजवादी पार्टी ने भी अब इसका एक और अल्टरनेट ढूंढ लिया है। जी हाँ, सपा के एक पोस्टर जारी करते हुए इस नारे की काट निकाली है, जिसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब देखना होगा कि ये नारों की चुनावी रणनीति में और ये नारों की इस गर्माहट से जो गर्माई राजनीति है वो कैसे सुलझेगी। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप किस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।